नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है ये अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले तो हम समझते हैं एंटीजन क्या होता है। हम बोलते हैं एंटीजन, लेकिन ये क्या होता है? एंटीजन ये एक सब्सटेंस होता है जो एक मॉलिक्यूल, या उसे हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ये हमारे बॉडी में इंट्री करने के बाद एंट्री करने के बाद हमारी इम्यून सिस्टम जो रहती है उसको स्टिमुलेट करता है। आसान भाषा में बोले तो उसको उत्तेजित करता है। उत्तेजित करने के बाद इम्यूनिटी सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो रहती है वो रिलीज़ करती है। और एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है यहाँ तक तो हमें पता है, लेकिन उसके आगे एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करने के बाद बॉडी को स्पेसिफिक एंटीबॉडी चाहिए, राइट? तो हम आसान भाषा में देखें तो एंटीजन बॉडी में एंट्री करने के बाद उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडीज़ काम आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में तो कई सारी एंटीबॉडीज़ रहती है, अलग अलग काम करती है, लेकिन स्पेसिफिकली उसे एंटीजन के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी रिलीज़ करने के लिए हमारी बॉडी में एक टीम रहती है। तो वो जो टीम रहती है उसमें कौन कौन रहता है? तो वो रहते हैं एंटीजन रिसेप्टर, उसे हम बोलते हैं, और खुद एंटीबॉडी भी ये काम करती है, और टी सेल रिसेप्टर। ये टीम एंटीजन को पहचानने के लिए काम करती है और उसके अगेंस्ट बॉडी फाइट भी करती है, उसके अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट ये टीम फाइट भी करती है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। ओके, तो ये जो एंटीबॉडीज़ हमने देखा ये अभी रिलीज़ करने के बाद क्या होता है, वो एंटीजन के पास जाके उसको न्यूट्रलाइज़ करती है। ओके, तो यहाँ तक हमने एंटीजन को अच्छे से समझ लिया है। तो हमें अभी समझना क्या बाकी है, एंटीबॉडी क्या होता है। तो जो एंटीबॉडी होता है, तो जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। ये एक वाई शेप में रहता है, वाई शेप जैसा रहता है, और वाई शेप में प्रोटीन के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? प्रोटीन के रूप में, जो कि एंटीजन को पहचानने और न्यूट्रलाइज मतलब बेअसर करने में काम आता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली हमारी ये बात है कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ रहती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन तो होती है, एंटीबॉडी जो रहती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन तो रहती है, लेकिन सारी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ नहीं होती, सारी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ नहीं रहती, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो हम इम्यूनोग्लोबुलिन कौन से हैं, मतलब हमारी एंटीबॉडीज़ कौन से हैं और क्या क्या काम करती है, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन, ये सारे होते हैं IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। ये सारे क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडीज़ होती है, लेकिन ये एक एक क्या काम करते हैं ये भी हम देखेंगे अच्छे से। पहली जो रहती है IgG, ये एक लार्जेस्ट क्लास की एक एंटीबॉडी है, जो कि प्लासेंटा को भी क्रॉस करती है और न्यूबॉर्न को कई महीने तक, मंथ जो मदर रहती है उसके ओम में न्यूबॉर्न को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो एंटीबॉडी, ये स्पेशल एंटीबॉडी हो और ये कॉमन एंटीबॉडी भी है, ये ज़्यादातर हमारे ब्लड में और हमारी बॉडी फ्लूइड में रहती है, और ये हमारे बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाती है। और ये जो एंटीबॉडी है ये इन्फेक्शन होने के बाद फॉर्म होती है, या फिर हम इम्यूनाइजेशन लेने के बाद बॉडी में फॉर्म होती है, ठीक है। तो दूसरी वाली हमारी एंटीबॉडी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है IgA। IgA ये एक सेकेंड लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, ये हमारे ब्लड बॉडी सिक्रीशन में रहती है, जैसे कि सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकस, टीयर जैसे बॉडी सिक्रीशंस में ये प्रेजेंट रहती है। और तो और ये रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो रहता है हमारा, उसके ऊपर जो लाइनिंग रहती है, म्यूकसल लाइनिंग उसको हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी ये प्रेजेंट रहती है IgA।
ओके तो ये क्या करती है, बेसिकली वायरस को अटैच होने ही नहीं देती है, वो लाइनिंग पर अगर वायरस आ जाए तो उसको अटैच नहीं होने देती है। तो ये एंटीबॉडी जो है ब्रेस्ट मिल्क के कोलोस्ट्रॉम में भी प्रेजेंट रहती है, ताकि न्यूबॉर्न को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का इन्फेक्शन से दूर रख सके। ओके तो ये हुआ हमारा IgA। ओके तो हमारा नेक्स्ट थर्ड वाला है IgM। ये IgM ये जो है एंटीबॉडी है, ये ब्लड और लिम्फ फ्लूइड में प्रेजेंट होती है, इसे हम अर्ली एंटीबॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंटीजन आने के बाद ये पहली ही एंटीजन को रिस्पॉन्स दे देती है, और ये पहली एंटीबॉडी रहती है जब कोई न्यू इन्फेक्शन बॉडी में आ जाता है और उसके अगेंस्ट ये एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए इसको अर्ली एंटीबॉडी भी बोलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा है एंटीबॉडी IgD। या IgD जो है ये स्मॉल अमाउंट में ब्लड में प्रेजेंट रहता है, ये स्मॉल अमाउंट में ब्लड में प्रेजेंट रहता है और ये बीटा सेल के ऊपर रहता है, बेसिकली ये बीटा सेल जो रहते हैं हमारे उसके ऊपर IgD एंटीबॉडीज रहती है। हमारा अभी लास्ट में आने वाली एंटीबॉडी है वो IgE। ये नॉर्मली ये ब्लड में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहती है, स्मॉल अमाउंट में क्यों रहती है ये आप जान जाओगे, ये ब्लड हायर अमाउंट में, ये ब्लड में हायर अमाउंट में तभी प्रेजेंट होती है जब बॉडी में कोई एलर्जन या फिर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये हायर अमाउंट में ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी कि ब्लड में ये स्मॉल अमाउंट में क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि बॉडी में कोई एलर्जन नहीं रहता है, अगर ये प्रेजेंट हो हायर अमाउंट में तो ये क्या करेगी, हिस्टामाइन रिलीज करेगी, तो इसके वजह से बॉडी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सिर्फ जब एलर्जन कोई आता है तो, या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो ही ये क्या करती है, नॉर्मली ब्लड में हायर अमाउंट में प्रेजेंट हो जाती है ताकि उनके अगेंस्ट फाइट कर सके। ओके तो यहाँ तक हमने एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है ये देखा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।